पृथ्वी कर्ता वाणी आर धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं सर्वोत्तम दिन आज, और इसका एक संदेश तो वो है जो ईश्वर ने कहा भी किसी वहम में नहीं पड़ना, कोई दिन नहीं निकलवाना पंडित से। एक तो संदेश वो भी है, एक संदेश ये भी है कि चाहे सुख हो या दुख हो, दिन कभी घटिया नहीं होता। क्योंकि जिस दिन लोग बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, उसी दिन कई लोगों की मृत्यु भी होती है। सारी चीज़ें साथ साथ घटित होती हैं। मुझे तो एक दिन की ऐतिहासिक घटना याद है, उसकी डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही, आप नेट से सर्च करोगे मिल जाएगी। एक इंडिया में एक बड़ा मशहूर नाम है राहुल महाजन, प्रमोद महाजन का लड़का, वो राहुल महाजन, उसका यानी नाम राहुल, जिसने उसकी रिपोर्ट दर्ज की यानी टीवी पे कवर की, वो भी राहुल, आज तक का रिपोर्टर था शायद उसका नाम भी राहुल। और दूसरी तरफ जिनके साथ उनका मुकाबला, वो राहुल गांधी, राशि एक ही होगी ना, राहुल राहुल राहुल, मगर एक ही दिन में तीनों के साथ अलग अलग घटनाएं हो रही। एक रात को नशा करके हॉस्पिटल पहुंच गया राहुल महाजन, उसकी रिपोर्ट करने के लिए गया राहुल प्रेस रिपोर्टर, और उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा राहुल गांधी। तो क्या हुआ, किसी का दिन किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, यानी दिन नहीं है वो, अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी, जैसे हमने काम किए हैं वैसे। अब आप लोग मास्क पहन के बैठे हो, ये सुरक्षा है अपनी अपनी, अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तो एक तो परमात्मा जो कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन, उसी के अनुसार हम आज कह सकते हैं, आज मदर डे भी है, मदर डे भी है, और आज हमने एक मदर, दूसरी मदर को भी सम्मान दिया। ईश्वर दो माँ की बात करते हैं, एक जननी और दूसरी जन्मभूमि। हमने दूसरी माँ को भी सम्मान दिया है, और जिसकी जरूरत आज, आई टीवी खोलते ही सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आती वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवाज़ आती है, आ रही ना, यही न्यूज़ आ रही है, ऑक्सीजन नहीं है, आदमी को सांस नहीं ले पा रहा है। असल में क्या है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब हम सारे लोग बैठे ना, इतने सारे सांस आ रही है, और जब बड़ा सत्संग होता है या योगी माँ पर्व होता है तब भी सबको सांस आती है, किसी की सांस नहीं रुकती। सांस रुकेगी किसकी, जिसके अंदर रेशा उतरा हुआ हो, जिसकी सांस की नली में कुछ ही अटक जाएगी, नाली चलती है, सीवर है, कुछ अटक जाएगा तो रुकेगा, और कुछ नहीं अटकेगा तो चलता रहेगा। तो ऑक्सीजन ईश्वर की तरफ से कम नहीं है, आदमी खराब कर रहा है, आदमी पेड़ों को काट रहा है, जंगल को काट रहा है। सबसे ज़्यादा मुसीबत आई अमेरिका पे, क्यों आई, अमेरिका ने उन जंगलों को आग लगाई जो दुनिया के सबसे कीमती जंगल, ऑक्सीजन को लेके, जिनको कहते हैं अमेजोन, उन जंगलों का नाम है अमेजोन, उनको आग लगा दी। उसको धरती का फेफड़ा भी कहते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़े में ही जाती है ना, उसी को शुद्ध करती है, तो उसको ही माना जाता है। यही काम भारत करता है, आप जाओ कभी पहाड़ों की तरफ, आपको पेड़ नंगे मिलेंगे, यानी पेड़ कटे हुए हैं, पहाड़ नंगे नजर आ रहे हैं। और आज जरूरत है कि हम पौधे लगाएं, और पौधे भी वो लगाएं जो केवल खूबसूरती ना दें, जो आदमी को जीवन दे, छाया भी दे, आदमी को सांस लेने में। तो उन्हीं पौधों की हम बात कर रहे थे, और जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम उठती है सबसे पहले, वो भी पर्यावरण को लेकर। कभी आप एनवायरनमेंट की बात करोगे तो एनवायरनमेंट में केवल पौधे नहीं आते,
जंगल जो फैलता है, जंगल, ये पौधे तो चलो हमने लगा लिए, जंगल जो फैलता है उन पौधों को कौन लगाता है जानते हैं? कौन लगाता है उनको? पक्षी लगाते हैं, तितलियाँ, छोटी छोटी तितलियाँ भी लगा देती हैं, क्योंकि एक जगह से वो बीज लेके उड़ते हैं, दूसरी जगह गिराते हैं, दूसरी जगह पौधा हो जाता है। यानी हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। और परमात्मा की कलम जब पहली उठती है तो कहाँ उठती है? जब क्रौंच को मारा, यानी परमात्मा का इशारा भी वही कि तुम पक्षी को मारोगे तो तुम खुद जीने के लायक नहीं रहोगे। ये पक्षी तुम्हारे वनस्पति को, जंगलों को बचा के रखते हैं, उनकी वजह से। और आज एक नई बात हो रही है, नई चीज़ हो रही है, और उस पर हमें अपने अपने मैसेज भी डालने चाहिए कि 5G आ रहा है, हमें अपनी तरफ से डालना चाहिए भी हमें नहीं चाहिए। 4G बहुत है, हमारी सब फोटो आती जाती है ना, जितनी हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, इससे ज़्यादा हमने और क्या करना है। अब 5G आएगा तो हमारा एनवायरनमेंट और ख़राब होगा। सबसे पहली मार पक्षियों पे पड़ेगी, और पक्षियों के बाद इन पेड़ पौधों पे। एक छोटी सी बात कभी अपने माँ बाप से भी पूछना, आपको भी लगेगा। कोई घर खाली छोड़ दो एक महीने के लिए, उसकी दीवारों में बननी शुरू, क्रैक होनी शुरू हो जाती है, और आप रहो कुछ भी नहीं होता, घर आपके साथ जीता है, सांस लेता है आपके साथ, नहीं तो खंडर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ये सारा वातावरण है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे पक्षियों से जुड़ा है वैसे हमसे जुड़ा है। तो आज हमने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान की कलम से निकली बात की, जननी और जन्मभूमि उस बात को, और उनके मुख से निकला पहला श्लोक, माँ निषाद भी किसी पक्षी को भी दुख क्यों दिया जाए, आज हमने उस दिशा में काम किया। और ख़ास तौर पे यहाँ की वाल्मीकि मंदिर की जो प्रबंधक कमेटी है, ये उसका कदम है, बड़ा एक कदम है, ये कदम हमें उठाने चाहिए। ये जब तक हम पड़ोसी का भला नहीं सोचेंगे, हमारा भला हो ही नहीं सकता। पड़ोसी के बच्चे अगर नलायक होंगे तो हमारे बच्चे भी नलायक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जैसे हमारे दोस्त होते वैसे हम होते हैं। आप जो पढ़ के आते हो, आपकी माएँ भी सीख लेती ना इंग्लिश का शब्द, सीखती है ना, क्योंकि वो आपके संपर्क में है, और हम जिसके संपर्क में, हम उससे सीखेंगे। तो अगर पड़ोसी अच्छा होगा, अगर सबका सुख मांगेंगे, तब हमें सुख मिलेगा। जय भारत।